दोस्तों, आप में से कई सारे लोग टैटू बनवाने के शौकीन तो जरूर होंगे, और आपने अपने आसपास भी कई सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्होंने अपने शरीर पर कहीं ना कहीं टैटू बनवाए होंगे। वैसे आजकल टैटू बनवाने का एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, और अगर देखा जाए तो ये एक ओल्ड ट्रेडिशन भी है जिसके चलते आज का लगभग हर यूथ टैटूज का दीवाना है। पर क्या आपने कभी ऐसे टैटूज देखे जो दिखने में बहुत ज्यादा आकर्षक और असली लगे? अगर नहीं तो इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही रियलिस्टिक टैटूज के साथ साथ कई ऐसे लोगों के बारे में भी बताने वाले हैं जिन्होंने अपने पूरे शरीर पर टैटूज बनवा रखे हैं। इसलिए प्लीज इसे स्किप किए बिना अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। साइबॉर्ग। दोस्तों, जो हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम है वो है साइबॉर्ग का। ये एक कैनेडियन मॉडल है जिन्होंने दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपनी बॉडी में टैटूज तो बनवाए ही हैं, साथ ही इन्होंने अपनी बॉडी में 100 से भी ज्यादा मॉडिफिकेशन करवाए हैं। फिर चाहे वे इनके सिर पर निकले हुए सींग हो या फिर इनके हाथों में लगे हुए सेंसर्स, ये मॉडर्न लुक के इतने ज्यादा दीवाने हैं कि इन्होंने अपनी जीभ तक को 2 हिस्सों में कटवा लिया है, और साथ ही इन्होंने अपने हाथों में कुछ ऐसे सेंसर्स लगवाए हैं जिसके चलते इनके घर का दरवाजा इनके हाथ पर लगे हुए सेंसर के चलते इनके लिए अपने आप ही खुल जाता है। पर आप जानकर शायद हैरान होने वाले हैं कि इन्होंने सेंसर के साथ साथ अपनी बॉडी में भी एक डिवाइस लगवा रखी है जिसके चलते ये उससे डाटा स्टोर और डाटा ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ये आदमी वाकई काफी ज्यादा अजीब है यार। एक्सट्रीम बॉडी आर्टिस्ट। तो अब हम थोड़ी बहुत नजर एक्सट्रीम बॉडी आर्टिस्ट पर भी डालेंगे, क्योंकि एक ऐसा शख्स है जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा अलग दिखने का बहुत ज्यादा भूत सवार था, और इसकी इच्छा थी कि इसे दुनिया के सभी लोग सबसे अलग दिखने के कारण जाने, और इसी पागलपन के कारण इस लड़के ने अपने शरीर पर एक या दो नहीं बल्कि 11 छेद करवा लिए, और इनकी इच्छा के अनुसार इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जा चुका है। आप इनके चेहरे के छेद तो देख ही सकते हैं, साथ ही आप ये देखिए कैसे इनके गालों के छेद से इसके मुंह के अंदर मौजूद दांतों तक को देखा जा सकता है, तब तो आप इनके पागलपन का अंदाजा स्वयं ही लगा सकते हैं भाइयों। द चेस मैन। दोस्तों, इस व्यक्ति का नाम मैट गॉन है, और ये वो शख्स है जो एक चलता फिरता चेस बोर्ड है, और इसे चेस से इतना ज्यादा प्यार है कि इसने अपनी पूरी बॉडी के ऊपर चेस बोर्ड की तरह ब्लैक और व्हाइट स्क्वेयर्स बनवा रखे हैं। और इतना ही नहीं, आप इनकी चेस के प्रति प्रेम भावना का अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हैं कि इन्होंने अपने घर के कपबोर्ड्स, डोर्स और तो और सोफे को भी ब्लैक और व्हाइट स्क्वेयर की तरह डिजाइन किया हुआ है जो बिल्कुल चेस बोर्ड की तरह नजर आते। इन्होंने सिर्फ चेस बोर्ड से ही नहीं बल्कि चेस खेलने से भी काफी ज्यादा प्यार कर लिया है, और ये अच्छा चेस खेलना भी जानते हैं। स्केलेटन मैन। अब अगला नाम जो आता है वो है स्केलेटन मैन का। दरअसल ये नाम इस व्यक्ति को इसके बॉडी के ऊपर बने हुए टैटूज के कारण ही दिया गया है, और ये इस वीडियो में बताए गए बाकी सभी टैटू बनवाने वाले लोगों से अलग है। ये कोलंबिया में रहने वाले एक व्यक्ति हैं, और लोग इन्हें स्केलेटन मैन के नाम से ही जानते हैं। आपको बता दें कि इन्हें शुरुआत से ही अपने आप को एक हॉरर लुक देने की इच्छा थी, और अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए इन्होंने अपने चेहरे को एक स्केलेटन के चेहरे के समान करवा लिया जो कि वाकई में डरावना है। अब जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि इनको ये पागलपन इतना ज्यादा था कि इन्होंने अपने स्केलेटन लुक के लिए अपनी नाक तक को कटवा दिया। जी हाँ, इनकी नाक ही नहीं है। और आपको बता दें कि इनका पागलपन यही खत्म नहीं हुआ बल्कि इन्होंने अपने कान और तो और अपनी जीभ भी सांप के जैसे दो भागों में कटवा दी। बैकी हॉल्ट। दोस्तों, ये एक इंग्लैंड की फेमस टैटू मॉडल है। ये मॉडलिंग के लिए बहुत ज्यादा पैसा भी लेती है क्योंकि ये इतनी ज्यादा फेमस जो है। पर शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये मैडम टैटू बनवाने की इतनी ज्यादा शौकीन है कि इन्होंने अपने पूरे शरीर के 95% हिस्सों पर टैटूज बनवा रखे हैं, सिर्फ 5% हिस्सा ही बाकी है। ये इतनी ज्यादा फेमस इसलिए भी है क्योंकि ये सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं और रोजाना अपने बॉडी पर बने हुए टैटूज के साथ अपनी कूल पिक्चर्स शेयर करती रहती हैं। लिजर्ड मैन। दोस्तों, ये आदमी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा अजीब है। जहां आज लगभग भारत के हर घर में छिपकलियों से डरने वाले लोग मौजूद हैं, वहीं अमेरिका में रहने वाला शख्स छिपकलियों से इतना ज्यादा प्यार करता है कि इसने अपने पूरे शरीर पर छिपकलियों के स्केल की तरह दिखाई देने वाले टैटूज बनवा रखे हैं, और तो और अपनी आईब्रोज की जगह भी इसने चांदी के छल्ले फिट करवा रखे हैं, अपने दांतों को भी एक मॉन्स्टर की तरह नुकीले करवाए हैं, और अपनी जीभ को भी छिपकली की तरह ही कटवाया
बनाया है। इन्होंने स्वयं को एक छिपकली के समान लुक देने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करी है और आज ये पूरे अमेरिका में बहुत ही ज्यादा फेमस है और ये अब तक अमेरिका के कई सारे बड़े बड़े शोज में भी परफॉर्म कर चुका है। तब तो आप स्वयं ही सोच सकते हैं कि इनका ये पागलपन इनके लिए कितना ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ। ज़ोंबी पंक। अब हम बात करने वाले हैं ज़ोंबी पंक की, जो कि ब्राजील में रहने वाले हैं। ये ब्राजील में रहने वाला इंसान और इन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा टैटूज बनवाने का शौक है। अब आप बोल रहे होंगे कि इससे ज्यादा टैटूज का शौक तो मुझे है, लेकिन आप माने या ना माने, ज़ोंबी पंक इतने ज्यादा टैटूज के दीवाने हैं कि इन्होंने अपनी आंखों तक पर टैटूज बनवा लिए हैं और इसके लिए इन्हें कष्ट भी झेलना पड़ा। वे भी थोड़ा बहुत नहीं, दरअसल आपको बता दे कि जब इन्होंने अपनी आंखों में ये टैटू बनवाया था तब लगभग 10 दिनों तक इनकी आंख नहीं खुली थी और इसके चलते उनकी आंख जाने का खतरा तक उत्पन्न हो गया था। लेकिन आज ये पूरी तरह से दुरुस्त हैं और इनकी आंखें खुलती भी हैं और इन्हें साफ साफ दिखाई भी देता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।